so uh, this is going to be the last lecture of this chapter and so the last lecture of the course of mechanics uh, hopefully iske baad main kuch videos aur banaunga special relativity ke upar which are actually part of this course on mechanics but basically uh, this today's lecture is going to be the last lecture और इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमने चूँकि न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ को पढ़ लिया है तो हमने अब सिर्फ ये देखना है जो प्लैनेट्स हैं आ, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर वो कैसे मूव करते हैं और उसके लिए हमें जो फंडामेंटल चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है वो कैपलर के तीन लॉज हैं ये तीन लॉज बेसिकली ये आ, डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे प्लैनेट्स जो हैं वो मूव करते हैं अपने ऑर्बिट्स के अंदर और इनको कैपलर्स लॉज के नाम से जाना जाता है जो फर्स्ट लॉ है इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहते हैं और ये हमें ये बताता है कि किस तरह के ऑर्बिट्स प्लैनेट्स फॉलो करते हैं जब वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं तो इस लॉ की डेफिनेशन ये है कि आल प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैविंग द सन एट द फोकस आर एट वन ऑफ द फोकाई अगर आपको थोड़ा सा भी ये पता है कि एक एलिप्स जो है वो किस तरह की होती है इसको आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं तो आपको पता होगा कि एलिप्स जो है वो डिस्टॉर्टेड सर्कल होता है हमें पता है कि सर्कल का एक सेंटर होता है लेकिन अगर आप उसको डिस्टॉर्ट कर दें तो वो जो सेंटर है वो अपनी जगह से मूव करता है एंड यूँ हमारे पास जो नई शेप आती है वो इलिप्स कहलाती है और एलिप्स के हमारे पास दो सेंटर होते हैं जिनको आप फोकस कहते हैं तो ये जो पहला हमारे पास लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहते हैं ये हमें ये बताता है कि जो हाँ प्लैनेट्स हैं वो इिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं ऐसे ही ऑर्बिट्स में मूव करते हैं और इन ऑर्बिट्स में जो सूरज है स्पेसिफिकली अपने सोलर सिस्टम की बात करते हुए जो सूरज है वो इस एलेप्स के किसी एक फ़ोकस के ऊपर होता है तो अब इस एलिप्स के अंदर हमारे पास मुख्तफ़ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप कैपिटल एम देख सकते हैं जो फ़र्ज़ करें हमारा सूरज है इट इज़ एट वन फोकस द अदर फोकस एफ प्राइम इस एलिप्स की राइट right साइड के पे मौजूद है सिमिलरली कोई प्लेनेट जिसकी मैस माल एम है ये मूव कर रहा है एट सम डिस्टेंस आर एंड एंगल थीटा फ्रॉम द सेंट्रल लाइन अगर आप यूँ समझे कि जिस पॉइंट के ऊपर सूरज मौजूद है वो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजन है तो फिर आप देख सकते हैं कि कोई भी प्लेनेट किसी भी वक्त आप दो पोलर कोआर्डीनेट से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं आर और थीटा से इसी तरह हमारे पास आ, सेमी मेजर एक्सेस और सेमी माइनर एक्सेस डिफाइन किए जाते हैं यहाँ पे जो सेमी मेजर एक्सेस है उसका डिस्टेंस आप देख सकते हैं इसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है जो स्मॉल ई है ये एक्सेंट्रिसिटी है इस एलिप्स की और एक्सेंट्रिसिटी आपको ये बताती है कि कोई एलिप्स जो है वो कितनी डिस्टॉल्टेड है जिस आ, एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी ज़ीरो होगी वो एक हमारे पास प्योर सर्कल होगा और जिसकी एक सेंट्री ज़ीरो से ज़्यादा जितनी ज़्यादा दूर होगी यानी वन के करीब होगी वो इलिप्स जो है या वो सर्कल जो है वो उतना ज़्यादा डिस्टार्टेड होगा हमारे पास कुछ और पॉइंट्स डिफाइन किए जाते हैं जिनको आप आर ए और आर पी से देख सकते हैं इनको पेरी जी एंड एपी जी कहा जाता है या फिर पेरीजी और एपी जी अगर आप ज़मीन से किसी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं जैसे चांद है और अगर आप सूरज से देख रहे हैं तो फिर ये पेरी और एपी कहा जाता है तो यहाँ पे जो आर ए डिस्टेंस है जो हमारे पास इक्वल आता है ए इंटू वन प्लस ई के ये एपी है ये मैक्सिमम डिस्टेंस है किसी प्लेनेट का सूरई से और सिमिलरली हमारे पास पैरीहीलियन होता है जो मिनिमम डिस्टेंस होता है किसी प्लानेट का सूरज से जिसको आप आर पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है ए इंटू वन माइनस ई ई बी सेंट्रिसिटी एंड ए बीग सेमी मेजर एक्सेस सो दिस इज़ द फर्स्ट कैपलर्स लासो नोज द लॉज ऑफ द लॉ ऑफ द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स जो हमारे पास सेकेंड लॉ है उसको लॉ ऑफ एरियाज भी कहते हैं और इसकी डेफिनेशन ये है अ लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लान टू द सन स्वीप्स आउट इक्ल एरिया इन इक्वल टाइम ये ये बताता है कि चूँकि प्लेट्स जो हैं वो सुरह के इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो अगर एक टाइम के ऊपर एक प्लैनट जो है वो किसी एक पॉइंट के ऊपर है तो कुछ टाइम गुजरने के बाद वो एक दूसरे पॉइंट के ऊपर पहुँच चुका होगा तो ये लॉ ये कहता है कि आप कोई भी टाइम इंटरवल लें उन टाइम इंटरवल में जितना एरिया वो प्लानेट स्वीप आउट करेगा यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पॉइंट तक जाएगा तो वो जितना एरिया स्वीप आउट करेगा वो इक्वल होगा और आप इसको इस डायग्राम में देख सकते हैं ये जो हमारे पास पिंकिश एरिया है जो हाईलाइट हुआ, हुआ हुआ है ये दोनों केसेस में एक जैसा है इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो एक केस में हमारे पास जो प्लेनेट है उसने ऑर्बिट में बहुत समाल डिस्टेंस कवर किया है जबकि जब वो सूरज के करीब है तो उसने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है जो हमें ये बताता है कि जब प्लेनेट्स जो हैं वो सूरज के करीब होते हैं तो उनकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है जबकि जब वो सूरज से काफ़ी फ़ासले के ऊपर होते हैं दूर होते हैं तो वो आहिस्त मूव करते हैं एक्चुअली ये जो स्पीड का इंक्रीज़ होना है कि जब भी कोई प्लानट सूर्य के करीब होगा उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी इसको आप लाफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से भी आ, देख सकते हैं बल्कि लाफ कंज़र्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से हमें ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेशन मिलती है इस फैक्ट की तो दरअसल ये जो लाफ एरियाज़ है ये एक्चुअली लाफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी है और इसको आप प्रूव कर सकते हैं आप सिंपली इस डायग्राम के ऊपर देखें और इसमें देखें कि ये जो एरिया स्वीप आउट करता है ये प्लेनेट किसी टाइम टी में वो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाता है यानी अगर आप इस डायग्राम के ऊपर देखें और इस डायग्राम में जो पर्पल पार्ट है पर्पल है या ऑरेंज है वट जो भी है ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है जिसका जो हाइट है वो ऑलमोस्ट आर है जो डिस्टेंस है उस प्लानट का उस पॉइंट के ऊपर सूरज से और ये उसकी बेस है वो आर डेल्टा थीटा के ऊपर है तो अगर आप इस रेक्टेंगल का एरिया लिखना चाहेंगे तो हमारे पास डेल्टा इक्वल्स हाफ बेस इन टू हाइट होता है हाइट जो है वो आर है और बेस जो है वो आर डेल्टा थीटा है तो हमारे पास जो डेल्टा ए है वो आता है हाफ आर स्क्वेयर डेल्टा थीटा अब किसी स्मॉल टाइम इंटरवल में ये प्लैनेट अपनी जगह से मूव करेगा तो हम क्या करते हैं उस टाइम को जिसमें ये मूव करता है या जिसमें ये एरिया स्वीप आउट करता है उसके ऊपर अगर इस एरिया को डिवाइड करते हैं और फिर लिमिट लेते हैं कि टाइम इंटरवल जो है वो बहुत शॉर्ट है तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो लिमिट डी अप्रोच ज़ीरो डेल्टा टी अप्रोचेज ज़ीरो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल्स हाफ आर स्क्वायर और जब आप डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी करेंगे तो हमें पता है इन द लिमिटिंग केस में डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी जो है ये एंगुलर स्पीड के बराबर होता है ओमेगा के बराबर होता है तो हमारे पास जो लिमिट डेल्टा ए बाई डेल्टा टी जिसको आप डी ए बाई डी टी लिख सकते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ये इक्वल आएगा हाफ आर स्क्वायर उमेगा के और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है अगर आपको याद हो आपने दसवें चैप्टर में पढ़ा था तो किसी भी मैस के एंगुलर मोमेंटम जो है वो एम आर स्क्र ओमेगा के इक्वल होता है यूँ हमारे पास ये जो आर स्क्र ओमेगा वाली टर्म है ये एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाई मैस ऑफ द प्लानट बन जाती है और यूँ हमारे पास डी ए बाई डी टी जो है वो इक्वल आता है एल बाई टू एम दैट्स इट हमने ये साबित कर दिया है कि जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है वो इक्वल होता है एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाई टू टाइम्स द मैस ऑफ द प्लानट अब अगर यहाँ पे आप ये ज्यूम करें कि ये जो हमारे पास सन और प्लानट का सिस्टम है इट्स एन आइसोलेटेड सिस्टम यानी कोई एक्सटर्नल फोर्सेस या एक्सटर्नल टॉर्क इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहे तो हमें पता है कि जब कोई एक्सटर्नल टार्क एक्ट नहीं करता तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो कॉन्सटेंट रहता है इसका मतलब है कि डी ए बाई डी टी जो है वो कॉन्सटेंट है और अगर डी ए बाई डी टी कॉन्सटेंट है तो इट सिंपली मीन्स दैट किसी भी टाइम इंटरवल टी में जो प्लेनेट एरिया स्वीप आउट कर रहा है वो इक्वल है किसी भी दो पॉइंट्स के ऊपर यानी जैसे कि ऊपर हमने डायग्राम में देखा कि जब वो सूर्य के करीब होता है तो वो बज़ाहिर एक बड़ा एरिया कवर करता है और जब वो सूरज से दूर होता है तो वो बहुत छोटी सी स्ट्रिप जो है वो मूव करता है क्योंकि उसकी स्पीड कम होती है लेकिन इन दोनों केसेस में हमारे पास जो एरिया है वो सेम आता है एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी हैव प्रूव्ड मैथमेटिकली और अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो स्पीड है जो सूर्य के करीब पहुँच के प्लैनेट्स की स्पीड इनक्रीज़ हो जाती है इट्स जस्ट अ कंसिक्वेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्योंकि हमें एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन से पता है इट्स अ प्रोडक्ट एम वी आर और अगर आर कम होगा तो स्पीड को इंक्रीज होना पड़ेगा तो चूँकि जब प्लेनेट सूर्य के करीब होता है तो उसकी स्पीड उसका जो फासला है वो बहुत कम होता है तो इसका मतलब है कि उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है फाइनली वी है द लॉ ऑफ पीरियड्स जो हमें ये बताता है कि द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ एनी प्लेनेट अबाउट द सन इज़ प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ प्लान मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन तो सिंपल सी स्टेटमेंट है कि टी स्क्र जो है वो प्रोपोर्शनल होता है मेन डिस्टेंस क्यूब ऑफ मेन डिस्टेंस ऑफ द प्लानेट फ्रॉम द सन मेन डिस्टेंस अगर आपके पास सर्कुलर ऑर्बिट है तो वो सिंपली उसके रेडियस के बराबर आएगा अगर अगर आपके पास लिप्टिकल ऑर्बिट है तो इट्स जनरली द सेमी मेजर एक्सेस जिसको आपने ए से रिप्रेजेंट किया जब हमने लाफ पीरियड्स यानी फर्स्ट कैपलर लॉ जो है वो पढ़ाए इसको आप प्रूव कर सकते हैं ये जो पीरियड लॉफ पीरियड्स है यानी टी स्क्यर जो है वो पर होता है एवरेज मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑफ द प्लानेट उसके क्यूब के इसको आप प्रूफ कर सकते हैं सिंपली एक सर्कुलर ऑर्बिट के लिए और फिर उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर एन ऑर्बिट ऑफ एनी शेप और अगर आप देखें तो इट्स सिंपल सर्कुलर ऑर्बिट में हमारे पास क्या होता है प्लानट uh, जो है वो मूव कर रहा होता है सूर्य के इर्द गिर्द और जो सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रपीटर एक्सलेशन प्रोवाइड करती है यानी अगर आप दो मैसेज कंसीडर करें कैपिटल एम उसको बेच आप चाहें तो सूरज मान लें चाहे तो जमीन मान लें और जो स्मॉल एम है वो मैस ऑफ द प्लानट है तो जो सेंट्रपीटर फोर्स है वो एम वी स्क्यर बाई आर के इक्वल होती है और यहाँ पे सेंट्रपीटल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही है तो हमारे पास जो वी स्क्यर है वो जी एम डिवाइड बाई आर के इक्वल आएगा अब जब आप ऑर्बिट की बात करते हैं तो ऑर्बिट में अगर सर्कुलर ऑर्बिट है तो जो फास्टला प्लेनेट कवर करता है किसी भी टाइम टीम में वो सरकमफेरेंस के बराबर होता है और सरकमफेरेंस जो है वो टू पाई आर के बराबर होता है तो आप सिंपली जो एस इक्वल वी टी की इक्वेशन है जो न्यूटन लॉज में आपने पढ़ी थी उसको यूज़ कर सकते हैं टू पाई आर इक्वल वी टी और अब जो टाइम है वो सिंपली टाइम पीरियड बन जाता है बिकॉज द प्लैनट कीप्स ऑन गोइंग इन इन द सर्कुलर ऑर्बिट तो यहाँ से वी स्केयर की वैल्यू जो है वो फोर पाई स्क्यर आर स्क्यर बाई टी स्केयर आ जाती है और सिंपली आप वी स्केयर की वैल्यू इस ऊपर वाली इक्वेशन में सब्सिट्यूट करके ये साबित कर सकते हैं कि टी स्क्र जो, जो है वो इक्वल है फोर पाई स्क्यर बाई जी एम टाइम्स आर स्क्यर और आर जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है दैन दिस इज एग्जैक्टली वट वी सेट आउट टू है कि जो स्क्वेयर ऑफ टाइम पीरियड है इट्स प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस फ्रॉम द सन यहाँ पे फोर पाई स्क्वेयर डिवाइड बाई जी एम जो है ये कॉन्स्टेंट है अगर आप इलिप्टिकल ऑर्बिट लेते हैं तो ये जो रेडियस है ये सेमी मेजर एक्सेस यानी ए से कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास आएगा टी इक्वल्स फोर पाई स्क्यर बाई जी एम टाइम्स ए क्यूब अगर आप देखें तो फोर पाई स्क्वेयर बाई जी एम जो है ये है और इसका मतलब है कि टी स्क्र बाई ए क्यूब जो है वो इन जनरल हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू देगा किसी भी मोशन के लिए किसी भी प्लेनेट की मोशन के लिए इन इन ऑर्बिट ओके okay, तो अब हमने एक छोटा सा टॉपिक करना है और वो टॉपिक है एनर्जी कंसिड्रेशन इन प्लानिटरी मोशन और आप देख रहे हैं कि मैंने पहले ये सारी कैलकुलेशन की हुई है आई एम सॉरी अबाउट दैट एक्चुअली ये बीस मिनट का ये लेक्चर बनाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं रिकॉर्डिंग कर ही नहीं रहा आई I मीन mean, मैं अपनी जो तस्वीर तो है वो तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इधर कैमरा में लेकिन जो ये लेक्चर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो मैं कैरी नहीं रहा था सॉरी अबाउट दैट बट लेट्स गो विद दिस कैलकुलेशन सो एनर्जी कंसिड्रेशन इन प्लानरी मोशन हमने तीन कैपलर uh, के लॉज पढ़ लिए हैं और अब हमने थोड़ा सा ये देखना है कि एनर्जी जो है प्लानरी uh, मोशन में या मतलब दो अगर आपके पास प्लानट्स हैं तो उनका जो सिस्टम है उसमें एनर्जी जो है वो क्या रोल प्ले करती है हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे सकती है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो uh, हम देखेंगे कि अभी जब मैं आप फार्मूला तो देख रहे हैं टोटल एनर्जी का जो मैंने ड्राइव कर लिया है तो मी गो थ्रू दिस फार्मूला एंड देन आई विल टेल यू व्हाट दिस एनर्जी कैन टेल अस अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम ऑफ टू मैसेस तो सबसे पहली बात यहाँ पे uh, जो सिस्टम मैंने कंसिडर किया है वो है सर्कुलर ऑर्बिट ओके होना यूँ चाहिए कि हम पहले एनर्जी कैलकुलेट करें और फिर एनर्जी हमें बताए कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह की मोशन परफॉर्म कर रहा है मीनिंग स्पेसिफिकली जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड होते हैं वो ये है कि उसका ऑर्बिट जो है वो किस तरह का है इलिप्टिकल है हाइपरबोलिक है पैराबोलिक है या सर्कुलर है ओके दैट्स द काइंड ऑफ टास्क विच इज़ अ लिटिल बिट हार्डर और इसलिए ये वाला जो काम है ना ये क्लासिकल मकैनिक्स के कोर्स में जो आप पांचवें सेमेस्टर में पढ़ते हैं और जिसको आगे चलकर मैं बनाऊंगा जिसको आप लगरानजियन एंड हैमिल्टोनियन मकैनिक्स भी कहते हैं उसमें पढ़ाते हैं दिस इज़ अ वेरी फेमस प्रॉब्लम है एक्चुअली इन फिजिक्स इट्स कॉल्ड सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम अगर आप चाहें तो इसको uh, देख भी सकते हैं बुक्स में नेट के ऊपर इट्स अ वेरी फेमस प्रॉब्लम आई मीन जितनी भी प्लैनिटरी मोशन है इट्स जनरली कार्ड सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपको मैंने बताया कि ये सेंटर जो सेंटर एक्ट करती है यहाँ पे हम ये पहले ही एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो सर्कुलर है यानी हमें पता है कि ऑर्बिट की शेप जो है वो किस तरह की है इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाती है और इस लेवल के ऊपर जहाँ हम पहला कोर्स पढ़ रहे हैं फिजिक्स के अंदर इट्स ईजियर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सो हम ये कर रहे हैं कि हमने दो मैसेज ली हैं एक कैपिटल मैस है जो यू कैन टेक इट एज सन दैन वी हैव एन अदर मैस समाल मैस एम विच इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर आर्बिट अराउंड इट ओके अगर आप समाल एम को अर्थ कंसिडर करते हैं तो यू नो दैट ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज़ नॉट सर्कुलर इज इलिप्टिकल ओके लेकिन हम इसी तरह का कोई लेट्स सिस्टम कंसिडर करते हैं जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो फिर उसकी इनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे टोटल और देखेंगे कि एनर्जी की जो फॉर्म आती है वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे सकती है एंड देन वी विल ट्राई टू जनरलाइज इट टू अदर काइंड ऑफ ऑर्बिट्स तो हमारे पास जो एम है कैपिटल एम कोर्स इट्स ग्रेटर देन स्मॉल दैन एंड दैट्स द रीज़न आई से कि स्मॉल एम जो है वो मूव कर रही है इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड कैपिटल एम क्योंकि अगर कैपिटल एम जो है इट्स वे बिगर देन स्मॉल एम देन कैपिटल एम विल रिलेटिवली बी एट रेस्ट अदरवाइज अगर ये दोनों मैसेज बराबर हों तो ये एक दूसरे के कॉमन सेंटर ऑफ मैथ के गिर्द मूव करेंगी विच मीन्स के दोनों मैसेज मूव कर रही होंगी एंड यू कैन टेक दिस दिस केस लाइक वेयर कैपिटल एम इज़ मच बिगर दैन स्मॉल एम लाइक सिस्टम ऑफ अर्थ एंड सन कंसिडरिंग द ऑर्बिट इज सर्क्यूलर तो इसमें अगर आप देखें तो सन की मैथ जो है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा है एंड देट इज़ द रीजन हमें सन जो है वो अपनी जगह पर uh, साकिन नजर आता है सेम्स लाइक द अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंडेड बट Be sure that it's not like uh, second, it's not stationary. The um, their common uh, center called barycenter. It's inside the sun, and that's why we don't see sun moving around because of the force of earth. Okay, so potential energy is simple. We have uh, this formula for absolute potential energy. We have derived it. Why we are using it uh, this formula and not mgh? And uh, the reason is you know that the formula mgh is used for. डिस्टेंसिस विच आर वेरी स्मॉल कम्पेयर विद द रेडियस ऑफ द अर्थ अगर आप अर्थ की सर्फिस के करीब करीब हैं तो फिर आप ये फार्मूला एम जी एच वाला फार्मूला यूज़ करेंगे लेकिन हमने जनरल डिस्टेंसिस के लिए यानी ऑब्जेक्ट्स जब किसी मैथ से बहुत दूर चले जाते हैं तो जो वो पोटेंशल एनर्जी उस सब्जेक्ट में चेंज आती है दैट इज गिवन बाई एपोटेंशियल एनर्जी एंड बाई दिस फार्मूला तो यहाँ पे हमारे पास के दो मैसेज हैलकुलेट है, तो so uh, करना आसान है हमारे पास कैनेटिकर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी स्क्ट और अगर आप चाहें तो वी स्क्टर जो है ये मेगा आर कीक्वल होती है और अभी हमने जो कैपलर का थर्ड लॉ है उसमें देखा है कि वी स्क्र को हम जी एम बाई आर केक्वल लिख सक... सकते हैं फॉर आर्बिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ इट वर एन एलिप्टिकल ऑर्बिट देन मैं वी के लिए ये नहीं लिख सकता था एंड दैट इज द रीजन वाई इस बुक के अंदर या आपके सेलेबस के अंदर सर्कुलर ऑर्बिट है बिकॉज यू आर नॉट

तो जो कैनेटिक एनर्जी की वैल्यू बनती है वो ये वाली बनती है अब यहाँ पे इमीडिएटली दो चीज़ें नोट करने की हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव है और जो कैनेटिक एनर्जी है वो पॉजिटिव है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट बिकॉज इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मोशन ऑफ दीज टू प्लानट्स ओके टोटल एनर्जी इज सिंपल इट्स सम ऑफ़ पोटेंशियल एनर्जी एंड कैनेटिक एनर्जी एंड अगर आप इनको एड करें तो हमारे पास भी टोटल एनर्जी आती है ये माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई टू आर आती है अच्छा द अब हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लाइक द इंफॉर्मेशन दैट वी आर गोइंग टू इन्फर आउट ऑफ दिस सिस्टम दिस मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो यू डोंट नीड टू रिमेंबर द कैलकुलेशन द कैलकुलेशन इज़ लाइक थ्री लाइन इट्स ईजी ओके पहली चीज़ टोटल एनर्जी जो है वो नेगेटिव है नाउ लेट्स रिकॉल फॉर अ मोमेंट कि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास टोटल एनर्जी नेगेटिव आती है तो वो आपको क्या बताती है टोटल नेगेटिव एनर्जी आपको ये बताती है कि जो सिस्टम आप कंसीडर कर रहे हैं वो बाउंड सिस्टम है विच मीन्स दे आर ग्रेविटेशनली बाउंड रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान वो आपको ये बताती है कि उनके दरमियान अट्रैक्शन पाई जाती है तो यहाँ पे नेगेटिव जो एनर्जी है टोटल एनर्जी ये आपको ये बताती है कि जो सिस्टम है वो ग्रेविटेशनली बाउंड है ओके ग्रेविटेशनली बाउंड है और नेगेटिव साइन आपको ये भी बताता है कि सिस्टम जो है वो क्लोज close है क्लोज्ड है ग्रेविटेशनली बाउंड होने का क्या मतलब है और क्लोज्ड सिस्टम का क्या मतलब है ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रेविटेशनली बाउंड होने का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़ा हुआ है और जब तक वो अपने खास आर्बिट में है वो उस सिस्टम को छोड़ के निकल नहीं सकता इसके लिए आप अर्थ और सन की एग्जाम्पल लें अर्थ और सन की जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो इसी फार्मूला से आप लिख सकते हैं इसी फार्मूला से प्रोवाइडेड uh, के आर्बिट जो है वो सर्कुलर है इवन दिस इज़ वैलिड फॉर इलिप्टिकल आर्बिट आई जस्ट कम बैक टू दैट इन अ मिनट लेकिन पहले मुझे ये बताने दें आप अर्थ और अर्थ और सन का सिस्टम कंसिडर करें तो उसका एग्जैक्टली exactly यही फार्मूला है टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए और आप कैपिटल एम को सन ले लें समाल एम को आ, अर्थ की मैस ले लें ले और आर जो है वो उनका दरमियान जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो है तो आप देखेंगे कि जो एनर्जी है वो नेगेटिव आती है दिस मींस दैट द अर्थ सन सिस्टम इज़ ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम विच मींस जो ज़मीन है वो सूरज के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधी हुई है और जब तक ज़मीन अपने ऑर्बिट में है ये सूरज के इर्द गिर्द घूमती रहेगी ये खुद ब खुद सूरज को छोड़ के कहीं बाहर भाग नहीं सकती आप चाहें तो इसके आर्बिट को चेंज कर सकते हैं मैं उसके ऊपर भी अभी आता हूँ लेकिन जब तक ये इतने आर्बिट में है ये आर्बिट जो है ये बाउंड है और क्लोज है क्लोज का मतलब है कि इट कीप्स गोइंग अराउंड एंड अराउंड इन इन द सेम आर्बिट तो क्लोज आर्बिट इस लिहाज से दो तरह के हो सकते हैं सर्कुलर uh, uh, और एलिप्टिकल और ग्रेविटेशनल uh, बाउंड भी दोनों हो सकते हैं सर्कुलर एलिप्टिकल एंड फॉर दिस रीज़न अगर हम इस फार्मूला को जनरलाइज करना चाहें एलिप्टिकल आर्बिट के ऊपर तो यही फार्मूला हमारे पास बन जाएगा ई इक्वल्स माइनस कैपिटल ची कैपिटल एम समाल एम बाई टू ए और इसमें ए जो है ये हमारे पास आ, आपको पता है इलिप्स के केस में सेमी मेजर एक्सेस होता है हम कैपिटल लॉस के अंदर इसको देख आए हैं ओके तो देखा आपने कि आप सर्कुलर ऑर्बिट को सिर्फ नेगेटिव एनर्जी के लिए उसको जनरलाइज कर सकते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट के ऊपर भी तो ये ग्रेविटेशनली बाउंड है और क्लोज ऑर्बिट्स हैं अच्छा अब ज़रा देखें कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज़ नेगेटिव जो कैनेटिक एनर्जी है वो पॉजिटिव है और टोटल एनर्जी जो है वो हमारे पास नेगेटिव आई है अच्छा कैनेटिक एनर्जी अगर अच्छा अगर आप पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर देखें तो एज़ लॉन्ग एज यू आर इन एट अ फिक्सड डिस्टेंस फ्राम वन मैस यू कैन चेंज इट बिकॉज इज कॉन्स्टेंट है डिस्टेंस आपने फिक्स कर दिया यू कैन चेंज इट सो so, जब तक कोई ऑब्जेक्ट अपने ऑर्बिट में है यू कैंट चेंज इट्स पोटेंशियल एनर्जी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकिन अगर आप कैनेटिक एनर्जी के ऊपर देखें तो कैनेटिक एनर्जी इज सिंपली हाफ एम वी स्क्टर राइट अगर आप और वी किसी ना किसी स्पीड से तो जो प्लानेट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है अच्छा ये बात जो है ये सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर लगती है इट्स नॉट वैलिड फॉर इलिप्टिकल ऑर्बिट तो आप जब प्लानट कोई अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो बाई सम हाउ एंड देर आर मैथड्स देर आर टेक्निक्स आप उसकी विलासिटी चेंज कर सकते हैं और अगर विलासिटी चेंज कर सकते हैं तो आप उसकी कैनेटिक एनर्जी चेंज कर सकते हैं विलासिटी कम भी की जा सकती है ज़्यादा भी की जा सकती है विच मीन्स उसकी कैनेटिक एनर्जी कम भी की जा सकती है ज़्यादा भी की जा सकती है अगर आप कैनेटिक एनर्जी कम करेंगे तो टोटल एनर्जी और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी एंड देट डजेंट टेल अस एनी थिंग बिकॉज एज लॉन्ग एज इट्स नेगेटिव द सिस्टम इज़ ग्रेविटेशनली बाउंड ओके लाइक अर्थ एंड सन लेकिन अगर आप पुटन इसकी वेलोसिटी को बढ़ाते हैं तो जो कैनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी और एनर्जी इस वक्त हमारे पास जो मौजूद है वो है नेगेटिव ये रही कैनेटिकर्जी सॉरी इट्स पॉजिटिव और अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो ये और पॉजिटिव होगी अच्छा ये पॉजिटिव है और ये पोटेंशियल एनर्जी से कम है यानी जितनी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है उसके मुकाबले में जो कि पॉजिटिव कैनैटिक एनर्जी है वो कम है अगर आप एग्जैक्टली exactly देखें तो ये टू का फैक्टर हमें बताता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो जो कैनेटिक एनर्जी है इट्स प्रिसाइजली हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड इज़ पॉजिटिव फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पोटेंशियल एनर्जी माइनस टेन है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्लस फाइव जाउल इट्स पॉजिटिव एंड हाफ हाफ पोटेंशियल एनर्जी तो अगर हम सम हाव इस पाँच जाउल को टेन जाउल कर दें तो हमारी जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी ज़ीरो अगर टोटल एनर्जी ज़ीरो होती है तो इसका मतलब है कि अब जो हमारा सिस्टम है उसकी एनर्जी नेगेटिव नहीं है और अगर नेगेटिव एनर्जी नहीं है तो इट चेंजेज़ द ऑर्बिट जो नेगेटिव एनर्जी है जो बाउंड ऑर्बिट्स हैं वो हमें पता है कि आ, अगर नेगेटिव एनर्जी है तो जो हमारा ऑर्बिट है वो सर्कुलर होता है तो जब तक एनर्जी नेगेटिव है ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर है लेकिन अगर आप कैनेटिक एनर्जी को सम हाउ इंक्रीज कर दें और बराबर कर दें पोटेंशियल एनर्जी के तो जो हमारी टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाती है टोटल एनर्जी हमारी बन जाती है ईक्ल e ज़ीरो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को सॉरी अगर आप कैनैटिक एनर्जी को इंक्रीज करके पोटेंशियल एनर्जी के, के बराबर कर देते हैं और जो ज़ीरो टोटल एनर्जी है वो हमें ये बताता है कि हमारा जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है ओके और अगर आप फर्दर एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं तो टोटल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी और टोटल एनर्जी पॉजिटिव विच मींस ग्रेटर देन ज़ीरो हमें बताता है कि हमारा जो ऑर्बिट है वो हाइपरबोलिक है हाइपर बोले ओके सो ओके दिस 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 वॉज जस्ट द जनरलाइजेशन कि आपको नेगेटिव या पॉजिटिव टोटल इनर्जी क्या बताती है इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सेलेबस बट आर यू नीड टू अंडरस्टेंड के नेगेटिव पोटेंशल एनर्जी जो है हमारे पास uh, वो सिस्टम बाउंड uh, होता है और क्लोज होता है और ज़ीरो के ऊपर जाके जब टोटल एनर्जी ज़ीरो जाती है तो हमारा जो ऑर्बिट है वो इिप्टिकल हो जाता है और अगर टोटल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हो जाए तो हमारा ऑर्बिट जो है वो हाइपरबोलिक है होता है अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करना चाहें इस टोटल एनर्जी का जो हमारे पास ये वाली आई है नेगेटिव तो इट्स अ वेरी फेमस ग्राफ आपने देखा होगा तो ग्राफ़ हमारे पास कुछ इस तरह का जाता है कि आप टोटल फ़ासला जो है वो एक एक्स एक्सेस के ऊपर ले लें और जो राइट दिस वन जो टोटल uh, एनर्जी है लेट्स कॉल दिस एनर्जी ई ये वाई एक्सेस के ऊपर ले लें तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जो है वो इस तरह का आता है ओप्स पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जो है ना वो इस तरह का आता है ओके okay? कि जैसे जैसे फासला कम होता है बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव और जनिटिक एनर्जी का ग्राफ है हमारे पास वो कुछ इस तरह का आता है कैनेटिक एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है ओके सो दिस इज फॉर कैनेटिक एनर्जी दिस इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी और अगर आप टोटल एनर्जी का ग्राफ ड्रा करना चाहें तो टोटल एनर्जी जो हमारे पास आती है वो कुछ इस तरह की आती है ले मी कॉल दिस ई विच इज टोटल एनर्जी अब देखेंगे कैनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है सारी की सारी और जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव है और पोटेंशियल एनर्जी से भी कम है अब फार्मूले के ऊपर देखें तो टोटल एनर्जी जो है इट इज़ एक्चुअली द वन हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड सो द रीज़न के हमारे पास आ, ये वाली जो लाइन है ये पोटेंशियल एनर्जी की लाइन से नीचे है ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ मैं पहले भी बना चुका हूँ एक बार बारहवें चैप्टर में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ ग्राफ विच यू आर गोइंग टू सी एवरी टाइम यू टॉक अबाउट टोटल एनर्जी and uh, in general every time you are going to talk about a bound system with a total negative energy this is the graph which is going to show up because it's more of a generic graph okay that's it up how many total energy ke formula formula uh, general uh, be generalized and uh, that is it about these orbits okay that's it and this was the topic that I wanted to talk about and uh, uh, all the important things are there and i think i have uh, i have never said this but today i'm going to say it that at least uh, i believe i have done a very reasonable job explaining this thing and i'm saying this because this is very important this uh, topic uh, 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 energy considerations and planetary motion is very important. This tells you everything about the motion of planets uh, in our solar system or in our galaxy or in general in uh, this universe. So I hope uh, you have uh, gotten something out of it. A important sawal hai jo discuss <laughs> jab Newton's gravitational लॉ पढ़ा था यानी जो इस चैप्टर का पहला टॉपिक था लेकिन उसको हमने डिस्कस नहीं किया था और ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है ये न्यूटन के दिनों में भी वहाँ मौजूद था और यकीन आपने इसको शायद सुन भी रखा हो इसको एक्शन एट अ डिस्टेंस कहते हैं कि अगर आप देखें तो जस्ट ज़मीन और सूरज की बात करते हैं कि सूरज हमारे पास आ, स्पेस में मौजूद है और फिर उससे तकरीबन नाइन्टी फाइव मिलियन माइल्स के फासले के ऊपर ज़मीन मौजूद है और हम ये कहते हैं कि सूरज जो है वो ज़मीन के ऊपर अपनी फोर्स लगाता है जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो सूरज के गर्द घूमती है ये वो सारी बातें हैं जो हमें पता है लेकिन सवाल ये है कि हम जितनी भी फोर्सेस से वाकिफ़ हैं मिसाल के तौर पे आप किसी चीज़ को आप लेट्स से ये आपके पास टैबलेट है आप इसको टेबल के ऊपर पुश करते हैं या कोई भी आप चीज़ ले लें या इसका वेट है ये इस टेबल के ऊपर लगा रहा है या इस तरह की जितनी भी फोर्सेस आप देखते हैं वो सारी की सारी फोर्सेस जो हैं वो एक तरह की कांटेक्ट फोर्सेस है यानी जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से इन कांटेक्ट आते हैं तो फिर वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करते हैं लेकिन अगर आप ये सूरज को देखें तो इट्स समवेयर देयर इन स्पेस एंड देन फ्रॉम इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 95 मिलियन माइल्स इज़ अर्थ एंड इज नो कनेक्शन बिटवीन देम सूरज और ज़मीन के दरमियान कोई रस्सी नहीं है या कोई और ऐसा जरिया नहीं है जिससे बाज़ाह हमें ये लगे कि ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं देन द क्वेश्चन इज हाउ कम जो सूरज है वो इतनी दूर से ज़मीन के ऊपर फोर्स लगा रहा है और इट्स नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स इट्स ना इट्स इट्स अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और इस फोर्स को या इस फिना को समटाइम आप एक्शन एट अ डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं कि सूरज फोर्स तो लगा रहा है एक्शन तो कर रहा है ज़मीन के ऊपर बट इट इज़ एट अ डिस्टेंस दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट तो ये कैसे फोर्स लगाती हैं एक दूसरे के ऊपर और न्यूटन के दिनों में बैक इन द टाइम्स जब न्यूटन ये सारा अपना ग्रेविटेशनल ला दे रहा था तो ही हैड नो आंसर टू दिस क्वेश्चन ही ही डेड नो कि हाउ जस्ट सन एग्जर्ट फोर्स ऑन द अर्थ विच इज़ लाइक 95 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम इट लेकिन इसको आप थ्योरेटिकल बेसिस दे सकते हैं फील्ड के कॉन्सेप्ट के से जो फील्ड का कॉन्सेप्ट है ये न्यूटन से काफ़ी ईयर से बाद ऑलमोस्ट 1832 या 33 में एक और ब्रिटिश साइंटिस्ट था माइकल फायरेडे उसने इंट्रोड्यूस करवाया था और इस फील्ड के कॉन्सेप्ट से हम एक बुनियाद फ्राहम कर सकते हैं इस फोर्स को जो सूरज ज़मीन के ऊपर लगाता है तो फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है फील्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि सूरज अपने सराउंडिंग रीजन में एक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसको आप इन द केस ऑफ़ मैस ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं ये फील्ड जो है ये सूरज के इर्द गिर्द तो पूरी स्पेस में फैला होता है और जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप उस फील्ड में रखते हैं तो वो फील्ड जो है वो फोर्स एग्जर्ट करता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मिसाल के तौर पे अगर आपने ज़मीन को सूरज की विसनटी में यहाँ पे नाइन्टी फाइव मिलियन माइल्स या वट एवर डिस्टेंस इट इज़ यहाँ पे रखा हुआ है तो क्या होगा सूरज जो है वो फील्ड प्रोड्यूस करता है सराउंडिंग रीजन में सो फील्ड इज़ ऑल सेट और उस फील्ड के अंदर जब आप किसी मैस को रखते हैं तो वो मैथ उस फील्ड से इंट्रैक्ट करती है और फिर वो मैथ जो है वो फोर्स फील करती है सो नाउ इंस्टेड ऑफ़ डायरेक्टली सेइंग कि सूरज जो है वो ज़मीन के ऊपर फोर्स लगाता है हम कहते हैं इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस पहले स्टेप में सूरज जो है वो अपना ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है सराउंडिंग रीजन में और फिर जब उस ग्रेविटेशनल फील्ड में हम किसी मैथ को रखते हैं तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उस मैस के ऊपर फोर्स लगाता है एंड सो नाउ इट्स मोर इट मेक्स मोर सेंस इट्स मोर इंटेलिजिबल कि कैसे जो फोर्स है वो इतने फासले तक पहुंचती है लेकिन फिर हमारे पास सवाल ये उठता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर सूरज जो है ज़्यादा फोर्स लगाता है कुछ के ऊपर कम फोर्स लगाता है क्योंकि हमें पता है न्यूटनस ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो इनवर्स केयर लॉ है तो इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट्स कम होंगे ऑफ कोर्स उनकी मैथ्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा बट लेट्स इग्नोर मैथ्स फॉर अ मोमेंट और सिंपली ये देखें कि जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सूरज के पास होंगे उनके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगी और जो सूरज से थोड़े फासले के ऊपर होंगे उनके ऊपर कम फोर्स लगेगी तो इसका मतलब है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड का इसमें हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ये करनी है कि जो फील्ड की वैल्यू है जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू है वो हर पॉइंट के ऊपर एक जैसी नहीं होती एंड सो वी नीड अ काइंड ऑफ अ वे टू असाइन ईच पॉइंट इन स्पेस अ वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और इट्स ईजी आपको पता है एफ इक्वल्स जो न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ है वो सिंपली इट्स एफ इक्वल्स एम जी और जी जो है अगर समाल जी हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है इट हैज सम वैल्यू इन सम डायरेक्शन एट ईच पॉइंट इन स्पेस तो हम क्या करते हैं एक टेस्ट मैथ लेते हैं और उसको स्पेस के हर पॉइंट के ऊपर रखते हैं और देखते हैं कि उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है And so we have uh, gotten the value of small g at each point in space, which can be different of course Ag Surai is a mean k surrounding so it has a constant value and that's why we say that the g small g has a constant value of nine point eight meters per second square. But of course in general it will vary with distance the distances both thehongay so you are very and so now we have. एवरी थिंग टू डिस्क्राइब दिस फिनना कि कैसे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो फोर्स लगती है हम ये कहते हैं कि जो किसी भी मैस के सराउंडिंग रीजन में हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उस ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू ऑफकोर्स अर्थ या सूर्य के इर्द गिर्द इसकी विसनिटी में तो कॉन्स्टेंट होगी लेट से इसकी सर्फेस के ऊपर अर्थ की सर्फेस के ऊपर इट्स कॉन्स्टेंट बट एज यू मूव फर्दर एज यू मूव फर्दर अवे फ्राम द अर्थ इट्स वैल्यू चेंजिस इन सो द फोर्स दैट अर्थ आर सन विल एग्जर्ट ऑन अ सर्टन ऑबजेक्ट जो किसी ये खास के खास फासले के ऊपर पड़ा हुआ है ज़मीन से या सूरई से वो भी मुख्तलफ होगी तो अब हमारे पास आफ्टर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड वी हैव द फॉलोंग डिस्क्रिप्शन फॉर ऑब्जेक्ट एग्जर्टिंग फोर्सेज ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी मैस के सराउंडिंग रीजन में वो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है और फिर उस ग्रेविटेशनल फील्ड में जब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड उस दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फ़ोर्स लगाता है और इस तरह जो पहले ऑब्जेक्ट की फोर्स है वो दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसमिट हो जाती है थ्रू ग्रेविटेशनल फील्ड तो वो जो एक्शन एट अ डिस्टेंस था उसको हमने बहुत प्यारी एक बुनियाद फरहम कर दी है और वो बुनियाद जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड की मदद से आ रही है अच्छा तो एक तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था जो थ्योरेटिकल डिस्कशन जिसकी ज़रूरत थी इसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी हैं जिनमें हमारे पास जो न्यूटन लॉ है वो वैलिड नहीं रहता और हमें किसी और अच्छी थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है तो अब हम चलते हैं ये देखते हैं कि किन सूरतों में न्यूटन लॉ हमारे पास वैलिड नहीं रहता और हम इसकी मॉडिफ़िकेशन कैसे करते हैं मॉडिफ़िकेशन मीन्स कि कैसे हम आ, उन सिचुएशंस को डील करते हैं जहाँ पे हमारे पास न्यूटन लॉ जो है वो इट सीम्स नॉट टू गिव द राइट रिजल्ट्स तो हमने देखा है कि न्यूटन लॉ जो है जो न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ है ये हमारे सोलर सिस्टम के अंदर बिल्कुल प्रीसाइज रिजल्ट देता है लेकिन आ, अगर आप सोलर सिस्टम से बड़े स्केल की बात करें जैसे हमारे पास गलेक्सीज हैं तो गलेक्सीज जो हैं जनरली उनकी जो शेप होती है वो एक डिस्क की तरह होती है uh, डिस्क आपको पता है बिल्कुल uh, किस शेप की होती है ऑफ कोर्स यू नो दैट तो और वो डिस्क जो है वो रोटेट करती है अराउंड एन एक्सिस विच पासिस थ्रू इट्स सेंटर एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क हमारा जो सूरज है या हमारा जो सोलर सिस्टम है ये भी ऐसी ही एक डिस्क गलेक्सी के अंदर मौजूद है इस गलेक्सी को आप जानते हैं मिल्की वे कहते हैं और हमारा सूरज जो है ये मिल्की वे के एक स्पाइरल आर्म में मौजूद है और इसका जो और ये चौंकि गलेक्सी जो है वो रोटेट करती है तो सूरज भी रोटेट कर रहा है इसकी जो रोटेशनल स्पीड है वो तकरीबन टू ट्वेंटी किलोमीटर्स पर सेकंड है और इस स्पीड के साथ ये तकरीबन टू फोर्टी मिलियन ईयर लेता है गलेक्सी में एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए हमने कैपलर के थर्ड लॉ को जब प्रूव किया था तो उसमें यह भी देखा था कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है और फिर उधर से हम जो ऑर्बिटल स्पीड है यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरी मैस इर्द गिर्द ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा वो किस स्पीड से मूव करता है उस ऑर्बिटल स्पीड को हम फाइंड कर सकते हैं एंड दैट इज़ सिंपली वी इक्वल उसके रूट ऑफ जी एम डिवाइड बाई आर यहाँ पर जी जो है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है एम जो है ये सेंट्रल मैस है और आर जो है ये डिस्टेंस है बिटवीन टू मैसेस तो बिल्कुल हम यही ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला जो है ये हम अपने सूरज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं इस केस में जो मैस बनेगी वो वो सारी मैस होगी जो उस रेडियस के या उस डिस्टेंस के अंदर होगी जिस फासले के ऊपर सूरज मौजूद है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्लैक्सी मिल्की वे तो जब और आप इस फार्मूला से जो हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला है इससे ये भी देख सकते हैं कि Uh, जो ऑर्बिटल स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के विच मीन्स कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा जो ऑर्बिटल स्पीड है वो कम होगी लेकिन यही फार्मूला जब हम अप्लाई करते हैं सूरज के ऊपर तो हम देखते हैं कि जो ऑर्बिटल स्पीड है वो डिस्टेंस के इंक्रीज होने के साथ कम होने की बजाय उल्टा इंक्रीज़ हो रही है एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज जो ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला है वो हमने न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ से अखज़ज किया है और अगर ये फार्मूला जो है ये हमें सही रिज़ल्ट नहीं दे रहा जैसे इस केस में है कि इट सीम्स लाइक द स्पीड इज़ इंक्रीजिंग विद द डिस्टेंस इट मीन्स कि द प्रॉब्लम इज़ विद न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाए ऑफकोर्स द फर्स्ट थाट जो साइंसदानों की तरफ से आई कि हो सकता है न्यूटन ला जो है वो उन स्केल्स के ऊपर वैलिड हो यानी उन डिस्टेंसेज के ऊपर वैलिड हो जो डिस्टेंसेज लाइक सोलर सिस्टम की तरह के हैं हमें पता है कि सोलर सिस्टम के अंदर जो हमारा सोलर सिस्टम है इसके अंदर तो न्यूटन ग्रेविटेशनल ला जो है वो वैलिड है पहली थाट ये थी कि अब इट्स पॉसिबल कि न्यूटन ला जो है वो इन डिस्टेंसेज के ऊपर वैलिड हो जो सोलर सिस्टम में हैं और जो गलेक्टिक डिस्टेंसेज हैं यानी जब आप गलेक्सीज की बात करते हैं तो मे बी वहाँ पर वैलिड ना हो तो अगर ये वैलिड नहीं है तो इसका मतलब है इसमें कुछ डिस्क्रीपेंसी और इस डिस्क्रिपेंसी को हम कैसे दूर कर सकते हैं दे थाट कि मे बी देर इज़ अ टर्म इन न्यूटन लॉ देर इज़ एन एडिशनल टर्म इन एडिशन टू जी एम वन एम टू डिड बाई आर स्क्र जो यहाँ पर मिसिंग है लेकिन साइंसदानों uh, ने जितने भी आज तक ऑब्जर्वेशन किए हैं जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं ज़रा सी भी वेरिएशन जो इस यूनिवर्स के ला से है वो नहीं मिली तो ये पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे हम साइड लाइन कर देते हैं कि ऐसा नहीं है न्यूटन जो है वो फ्री साइज में है अप टू कोर्स एक्सपेरिमेंटेशन लिमिट्स बट इट इज़ बेसिकली एन यूनिवर्स केरला जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो फिर uh, हमारे पास ये आती है कि इट्स पॉसिबल कि जब गलेक्टिक स्केल्स आते हैं तो हो सकता है वहाँ पर कुछ ऐसी मैटर मौजूद हो जो बा हम देख ना सकते हों लेकिन वो मैटर जो है वो इस ऑर्बिटल स्पीड में जो वेरिएशन आ रही है जो न्यूटन लॉ से थोड़ी ये हट के आ रही है उसको अकाउंट करती हो ये मैटर जो है इसको डार्क मैटर का नाम दिया जाता है और गाल ये तकरीबन 100 साल पहले इसको डिस्कवर किया गया था ये डार्क मैटर जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह की हैं कि ये ना तो विजिबल है ना यानी हम इसको देख सकते हैं ना ही ये किसी किस्म की इंट्रेक्शन करती है जो ऑर्डिनरी मैटर है लेकिन एक बात तय है कि इस तरह की कोई मैटर जो है ये हमारी गलेक् गलेक्सी में मौजूद है जिसकी वजह से ऑर्बिटल स्पीड में वेरिएशन आती हैं अब तक जितने भी एक्सपेरिमेंटेशन किए गए हैं जितनी भी ऑब्जरवेशन की गई हैं उनमें ऐसी मैटर नज़र आती है कि मौजूद है लेकिन जितने भी इनकी कोशि की गई हैं इस मैटर को डिटेक्ट करने के लिए उनमें आज तक हमें इसका कोई सबूत नहीं मिला मतलब हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं इसके असरात मौजूद हैं विच मीन्स कि इट्स देयर लेकिन इसको हम ऑब्ज़र्व नहीं कर पाए हैं एक्सपेरिमेंटली साइंसदानों का ख्याल है कि हमारी कायनात में जितनी भी मैटर है उसका तकरीबन 90 परसेंट मैटर जो है वो डार्क मैटर है देखिए मैटर हमारे पास दो तरह की है विजिबल मैटर और दूसरी ये डार्क मैटर विजिबल मैटर वो मैटर है जो हम अपने गिर्द देखते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स जो सब कुछ है और दूसरी मैटर वो है जो इनविजिबल है जिसको हम देख नहीं सकते विच मीन्स कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते ऑब्जर्व नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंटली हमारे पास ऐसी ऑब्जर्वेशंस तो हैं जिनमें हमें पता चलता है कि ऑफकोर्स देर इज़ समंग लेकिन जब हम उनको देखने की कोशिश करते हैं तो हम उसको देख नहीं सकते तो ये दूसरी टाइप की मैटर जो है इट्स कॉल्ड डार्क मैटर और जितनी भी मैटर टोटल यूनिवर्सिटी में यूनिवर्स में है उसका तकरीबन मोर देन 90 परसेंट जो है वो डार्क मैटर के ऊपर मुश्तमल तो है जो विजिबल मैटर है बहुत कम है एंड दिस इज़ दिस दिस शोज आवर बिलीव इन न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ कि हम किस हद तक ये हमें पूरा यकीन है कि जो न्यूटनस ग्रेविटेशन लॉ है वो सही है एंड इफ़ देर आर सम वायलेशंस टू इट देन मे बी देर आर सम अदर थिंगज लरकिंग इन आवर गलेक्सी आर इन आवर यूनिवर्स एंड आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि न्यूटन uh, जो ग्रेविटेशनल लॉ है उसने ही हमें इस तरफ इशारा किया कि मे बी देर इज़ अन अदर काइंड ऑफ मैटर विच इज़ दे आर इन द यूनिवर्स एंड सम हाउ वी कैन नाट ऑब्जर्व इट अनटिल दिस पॉइंट बट मे बी इन फ्यूचर वी आर एबल टू अब्जर्व इट तो जो पहला कॉन्सेप्ट concept... हमें समझने की ज़रूरत है आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी को समझने के लिए वो इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मैथ का है इनफैक्ट दिस इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट जो जहाँ से आइंस्टाइन को ये आइडिया मिला कि उसने अपनी जनरल रिलेटिविटी थ्योरी जो है वो कैसे डेवलप करनी है जिसको आप प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस कहते हैं और प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस असल में इनर्शियल मैथ और ग्रेविटेशनल मैथ की इक्वलेंस ही है अब सवाल ये है कि इनर्शियल मैस और ग्रेविटेशनल मैस जो हैं ये क्या होते हैं और ये कैसे इक्वल हैं तो आपको याद होगा तीसरे चैप्टर में जहाँ पे हमने पहली दफ़ा न्यूटन लॉज को डिस्कस किया था वहाँ पे एक हमने एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था कि कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट की मैस को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है वो सिंपली मैथमेटिकल फॉर्म में एफ़ इक्ल्स एम टाइम्स ए है तो हमने ये कहा था ये पुरानी बात है तीसरे चैप्टर की तो हमने कहा ये था कि फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई स्टैंडर्ड मैथ है एम और उसके ऊपर हम कोई नोन फोर्स एफ़ अप्लाई करते हैं और उसमें एक्सेलरेशन जो है वो ए वन लेट से प्रोड्यूस होता है हम ये चीज़ें मैयर कर लेते हैं फिर हम कोई अननोन नोन लेते हैं और उसके ऊपर उतनी ही फोर्स अप्लाई करती हैं जितनी हमने पहले स्टैंडर्ड मैथ्स के ऊपर अप्लाई की थी और इस बार भी जो रिजल्टिंग एक्सलरेशन होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर हम फोर्सेस की इक्वलिटी से अननोन नोन मैथ को कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि एक्सलेशन हमने मैयर किए हैं दोनों कंडीशन में स्टैंडर्ड मैथ और अन नोन जो है फिर हम उनका कंपेरिजन देख सकते हैं कि जो अनोन मैस है वो स्टैंडर्ड मैस के मुकाबले में कम है या ज़्यादा है और यूं हमने ये जो मैस इस एफ इक्वल्स एम ए में या इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ की थी इसको इनर्शियल मैस कहते हैं हम बिल्कुल इसी तरह का एक्सपेरिमेंट अब जो एफ़ है वो पहले अप्लाइड फोर्स थी अब हम अगर एफ को ग्रेविटेशनल फोर्स ले लें जो अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ी है यानी अब अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड मैथ है और वो ज़मीन के ऊपर है तो ज़मीन उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी कोर्स आप उसको मेजर कर सकते हैं दैट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी जो एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा इस ग्रेविटेशनल फोर्स के नतीजे में किसी भी स्टैंडर्ड मैस के ऊपर वो जी के बराबर होगा दैट्स द एक्सरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल झी अब अगर आप कोई अन मैस लेते हैं और फिर उसके ऊपर यही एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अर्थ उसके ऊपर कितनी फोर्स लगाती है तो आप देख सकते हैं कि अगेन एफ़ इक्वल्स उसके वेट के बराबर होगी एम के बराबर होगी और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि इन दोनों सिचुएशन में जो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जी है एंड दैट इज़ बिकॉज वी नो के एक्सरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अर्थ की सरफेस के करीब करीब जो है वो जी uh, के बराबर होता है और इसका मतलब है कि इस सूरत में जो दोनों मैसेज हैं वो सेम होंगी अगर उनका वेट सेम है यानी आ, या फिर अगर अगेन आप पहले की तरह का एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि अगर मैथ मुख्तलिफ है दूसरी तो ऑफ़कोर्स उसका वेट मुख्तलिफ होगा और इधर से अगेन आप जी और एम के दरमियान रिलेशन निकाल सकते हैं लेकिन इंटरेस्टिंगली चूंकि एक्सरेशन डी टू तो ग्रैफिटी जी जो है वो सेम है तो इसका मतलब है कि मैसेज जो हैं वो इस सूरत में हमारे पास सेम आएंगी लेकिन आ, अगर हम ये देखें कि सवाल अगर हमारे पास ये हो कि हमने ये देखना है कि क्या इनर्शियल मैस और ग्रेविटेशनल मैसेज़ जो हैं जो पहले वाला एक्सपेरिमेंट और दूसरे वाला है इनका आपस में कोई रिलेशन है क्या ये एक जैसी हैं या मुख्तलि हैं तो हम मुख्तफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं और मुख्तफ़ लोगों ने तारीख़ में बहुत सारे इसके एक्सपेरीमेंट परफॉर्म किए भी हैं जिसमें इन्होंने इन दोनों मैसेज के दरमियान मुख्तफ़ रिलेशन निकाले हैं न्यूटन ने ही इनफैक्ट सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया था फिर बाद में भी आने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने इनके दरमियान कुछ रिलेशन निकाले लेकिन प्रिसाइजली उनको इक्वल होने का ताल्लुक़ कोई भी नहीं ढूंढ सका बट कुछ ना कुछ इनके दरमियान रिलेशनशिप निकाले फिर 1908 में या गलबन सात में न्यूटन ने आइंस्टाइन ने अपना ये इक्वलेंस प्रिंसिपल दिया विच एक इवेंचुअली वेंट ऑन टू बिकम द बेस ऑफ जनरल रिलेटिविटी थ्योरी कि उसकी बुनियाद बना तो आइंस्टाइन ने कुछ बातें फ़र्ज़ किं उसने जो पहला एक्सपेरिमेंट फ़र्ज़ किया आइंस्टाइन ने यह कहा कि अगर आपके पास कोई एलिवेटर हो ज़मीन के ऊपर और वो फ्रीली फॉलिंग मोशन में हो यानी जैसे एलिवेटर की आप ऊपर से तार काट दें तो वो फ्री फॉल मोशन में आ जाएगा तो उसने ये कहा कि इस सिचुएशन में और अगर वही एलिवेटर जो है वो डीप स्पेस के अंदर मौजूद है जहां उसके इर्द गिर्द कोई मैस मौजूद नहीं है और उस सिचुएशन में कोई फ़र्क नहीं होगा ये दोनों सिचुएशन जो हैं ये बिल्कुल बराबर होंगी इट्स अ लिटल कॉम्प्लिकेटेड एट दिस टाइम बट लेट्स ट्राई टू इट विद अनदर अदर एग्जाम्पल तो न्यूटन आइंस्टाइन सॉरी आइंस्टाइन फर्दर वेंट ऑन और उसने ये कहा कि आप इस सिचुएशन को ज्यूम करें कि हमारे पास जो अर्थ के ऊपर फ्रेम है दैट्स दैट इज़ एन इनर्शियल फ्रेम और उसमें अगर आपके पास आ, अगर आप इस तस्वीर को देखते हैं तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ, एक बॉक्स है लेट्स कंसीडर इट एलिवेटर अगेन कंसीडर इट अ फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर और इसमें आप देख सकते हैं एक बंदा है जो स्केल के ऊपर है स्केल उसका कुछ ना कुछ वेट मैयर करता है एक समाल मैस है एम जो ऑफकोर्स नीचे गिर रही है फिर हमारे पास एक पेंडुलम है और एक हमारे पास स्प्रिंग है पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट कर रहा है स्प्रिंग जो है उसमें कुछ एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सरेशन स्मॉल झी और ये सारा सिस्टम जो है ये सिस्टम हमारे पास ज़मीन के ऊपर मौजूद है आइंस्टाइन ने यह कहा कि इस सिस्टम में और एक एक्सलरेटेड सिस्टम जिसमें एक्सलरेशन जो है वो प्रिसाइजली उसकी मैग्नीट्यूड जी के बराबर हो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा आइंस्टाइन कह ये रहा है कि अगर हमारे पास ज़मीन के ऊपर ये सिस्टम है ये पहली तस्वीर जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है जिसमें बंदे का कुछ वेट मैयर होता है स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है पेंडुलम का कुछ टाइम पीरियड है वो चीज़ें जो आप सिंपली मैयर कर सकते हैं इस सिचुएशन में और अगर इसी एलिवेटर को आप डीप स्पेस के अंदर जहाँ पे हमारे पास कोई और मैस या कोई और ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो जो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हो बिकॉज़ फ़ोर्स लगाने से यू नो एक्स्ट्रा एक्सोरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस होगा तो डीप स्पेस के अंदर अगर आप उसी एलिवेटर को एक्सेलरेशन uh, उस एक्सेलरेशन से मूव करवाएं जिसकी मैग्नीट्यूड सिंपली जी के इक्वल हो तो हमारे पास इन दोनों सिचुएशंस में फ़र्क करने का कोई तरीका मौजूद नहीं है ये दोनों सिचुएशंस एक ही तरह हमें नतज देंगी यानी हमारे पास जो स्प्रिंग है उसमें उतनी ही एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी जितनी पहले केस में थी ज़मीन के ऊपर जो बंदे का वेट है वो बैलेंस जो है वो उतना ही मैयर करेगा जितना पहले हमारे पास था ज़मीन के ऊपर रेस्ट में और जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड जो है वो उतना ही होगा जितना हमारे पास पहले केस में था ज़मीन के ऊपर इनर्शियल फ्रेम के अंदर तो इसका मतलब है आइंस्टाइन हमें बता ये रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट सिचुएशन टू सिचुएशन विच आर अदरवाइज सिमिलर बट दे आर इन डिफरेंट कंडीशंस उनमें से इस तरह के अगर एक जो है वो गरीब जमीन के ऊपर इनर्शियल फ्रेम में मौजूद है और दूसरी जो है वो किसी एक्सलेशन एक्वल्स जे से मूव कर रही हो या एक्सलरेट कर रही हो यही जो प्रिंसिपल है यही प्रिंसिपल ऑफ इक्विलेंस है और यही आगे चल के बुनियाद बनता है जनरल रिलेटिविटी की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी जो है वो न्यूटन ने हमें ये कहा था कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाते हैं जो जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी है वो ये कहती है कि फोर्स जो है वो स्पेस टाइम की ज्योमेट्री का नतीजा है अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो यूं कहें कि अगर हमारे पास दो मैसेज हैं तो जो पहली मैस है वो स्पेस टाइम के अंदर क्रवेचर प्रोड्यूस करती है एंड सो इज द नेम ज्यूमिट्री और जो दूसरी मैस है जब वो उस कर्वेचर के अंदर मूव करने की कोशिश करती है तो कर्वेचर की वजह से वो फोर्स फील करती है टूअर्ड्स द फर्स्ट मैस एंड सो so, uh, जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो फोर्स की अट्रैक्शन की सूरत में आता है सो जनरल रेलटिविटी इज़ अ थ्योरी ऑफ ज्यूमिट्री इंटरेस्टिंगली अब सवाल ये है कि हम कैसे मान लें कि जो आइंस्टाइन की थ्योरी है इट इम्प्रूवज़ ऑन न्यूटन थ्योरी मरकरी के ऑर्बिट में एक प्रीसेशन थी जिसको न्यूटन लॉ एक्सप्लेन नहीं कर सकता था दिस वाज एक्चुअली द फर्स्ट थिंग दैट न्यूटन जो आइंस्टाइन ने साबित की आइंस्टाइन ने जो मैथमेटिकल फार्मोलिज्म डिवेलप किया अपनी थ्योरी जनरल रिलेटिविटी का विच इज़ वेटी हार्ड और आप आगे चल के स्पेषलाइज कोर्स जनरल रिलेटिविटी में पढ़ेंगे उस जब फार्मलिज़म को न्यूटन ने आइंस्टाइन ने डेवलप किया तो सवाल ये था कि हम कैसे मान लें कि जो आइंस्टाइन की थ्योरी है वो सही है तो जब भी आप कोई थ्योरी बनाते हैं जो किसी पुरानी थ्योरी को, को इम्प्रूव कर रही होती है तो लाजिम होता है आप के ऊपर कि जो आपकी थ्योरी है वो उन सारे रिजल्ट्स को सेटिस्फाई करे जो पुरानी थ्योरी करती है जैसे न्यूटन की जो लॉ है वो जितनी भी बातें बताता है हमें प्लैनेट्स के बारे में या इस सेंट्रल फोर्स मोशन प्रॉब्लम के बारे में आइंस्टाइन की थ्योरी उन सारी बातों को बताए और फर्दर जो प्रॉब्लम पहले वाली थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती जैसे न्यूटन की ग्रेविटेशनल थ्योरी है वो मरकरी की प्रीसेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती तो ये जो बाद वाली थ्योरी है जो सपोजिटली बेहतर थ्योरी है ये उस प्रॉब्लम को जो पुरानी थ्योरी में अनसॉल्व था उसको भी सॉल्व करें और फर्दर कुछ और प्रिडिक्शंस भी करे फ्यूचर के लिए जिनको आप कहें कि अगर मेरी थ्योरी सही है तो फ्यूचर में ये वाली बातें जो हैं ये साबित होंगी या ऐसा लाजमी तौर तो पे होगा इवन आपने अभी अगर अभी तक इनको ऑब्जर्व नहीं किया तो आप फ्यूचर में करेंगे तो आइंस्टाइन की जो जन, जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी है उसने मरकरी के जो ऑर्बिट में प्रीसेशन थी उसको भी एक्सप्लेन किया दैट वॉज द इमीडिएट इफेक्ट इन नाइनटीन सेवनटीन जब फिफ्टीन या सेवनटीन जब उसने अपनी थ्योरी दी तो उसने एक्चुअली कैलकुलेट किया कि प्रीसेशन जो मरकरी के ऑर्बिट में है वो इतनी होनी चाहिए फर्दर आइंस्टाइन uh, ने कुछ प्रिडिक्शन भी की जी एक तो ये थी मरकरी की जो ऑर्बिट में प्रीसेशन थी दूसरी जो थी वो ग्रेविटेशनल लेंसिंग की थी जिसको आप बेंडिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं ये ऐसा प्रोसीजर है कि हमें पता है कि सारे मैसिव ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो uh, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचते हैं सिंपल न्यूटन ला आप समझे अब एक गलेक्सी कंसिडर करें गलेक्सी की कुछ uh, अगर मैस है तो उस गलेक्सी के पीछे अगर हमारे पास कोई और गलेक्सी और उस गलेक्सी से लाइट निकल के हर तरफ जा रही है तो कुछ लाइट जो पीछे वाली गलेक्सी से निकली है वो आगे वाली गलेक्सी के इर्द गिर्द से जब गुजरेगी तो गलेक्सी की मैस है और वो उस लाइट को अट्रैक्ट करेगी तो लाइट बेंड होगी अपने रास्ते से और जब वो हम तक लाइट पहुँचेगी तो वो जो आगे वाली गलेक्सी है जो हमारे और उस गलेक्सी के बीच में मौजूद है जिधर से लाइट ख़ारिज हो रही है वो उसके दरम्यान में मौजूद है तो वो लाइट जो है वो बैंड होकर पहुँचेंगी और अब अगर आप इन लाइट रेस को सिंपली पीछे एक्सटेंड करें तो हमें यूँ लगेगा कि जैसे ये लाइट जो है ये दो मुख्तलिफ गलेक्सीज से आ रही है दिस इज सिंपल प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अच्छा ये प्रडिक्शन थी न्यूटन की थ्योरी की इसको इंटरेस्टिंगली नाइनटीन नाइनटीन में एक सोलर इकलिप्स लगा था जिसको जिसमें इस ग्रेविटेशनल लेंसिंग के या बेंडिंग ऑफ लाइट के फिनमिना को ऑब्ज़र्व किया गया था बड़ा फेमस एक्सपिडिशन थी आ, सर आर्थर एडिंगटन ब्रिटिश अस्ट्रानर थे उन्होंने इस एक्सपिडिशन को लीड किया था और उन्होंने देखा था कि वाक़ ही जैसी जनरल एटिविटी थ्योरी प्रिडिक्ट करती है इन चीज़ों को वैसा ही होता है दिस वाज द फर्स्ट प्रूफ फर्स्ट पब्लिक प्रूफ ऑफ द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी और बहुत 1919 में जब यह हुआ तो बहुत ज़्यादा खबरें लगी थी पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर्स में और एवरी वन इमीडिएटली न्यू हु आइंस्टाइन इज़ इसके अलावा और भी बहुत सारी एप्लीकेशनज़ हैं जनरल रिलेटिविटी थ्योरी की जैसे कि हमारा जी पी एस सिस्टम है जी पी एस सिस्टम जनरल रिलेटिविटी इसको बहुत प्रिसाइज बनाती है यू कैन यू नो रीड अबाउट इट बट दैट्स इट फॉर टूडे यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और दीज वार फ्यू मॉडर्न डिवेलपमेंट्स इन ग्रेविटेशनल थ्योरी ऑफ कोर्स अगर आपको जनरल रिलेटिविटी या डार्क मैटर या इस तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ना है तो विल हैव टू टेक कोर्सेज़ इन एस्ट्रोनॉमी जनरल रिलेटिविटी का तो अपना कोर्स है या कॉजमोलॉजी इस तरह के कोर्सेज लेने पड़ेंगे बट दिस वॉज सम बेसिक लेम काइंड ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक्स एंड सिंस वी हैव टू डिस्कस दैम बिकॉज दे आर रिलेटेड टू न्यूटन लॉ एंड द फील्ड ऑफ ग्रेविटेशन इन जनरल एंड मुझे अभी इजाज़त दे दिए बाय बाय